हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोच आईएस। आज बेसिकली अपन कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं कि आखिर कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, किस तरीके से बनता है या बेसिकली इसका पर्पस क्या हो सकता है। यहाँ पे अपन कुछ चीजों को हाईलाइट कर देते हैं पहले कि ये होता क्या है आखिर, लाइक ये बनता है तो बनता कैसे आखिर, और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो सकता है जो किसी सोसाइटी को इम्पैक्ट डाले या किसी सोसाइटी में किस तरीके से वर्किंग को एंगेज करे। ओके, यहाँ पे अपन इसका पर्पस भी डिफाइन करेंगे कि इसका पर्पस क्या है, कि अगर ये बन गया है कोड ऑफ कंडक्ट सोसाइटी में डेवलप हुआ हुआ है किसी भी पर्सन को लेके इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, तो उसका पर्पस क्या हो सकता है कि राइट, क्योंकि एवरीथिंग वी स्टडी हियर नीड्स टू हैव अ पर्पस, जिससे अपन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेटर एनालाइज कर पाते हैं किसी भी चीजों को, राइट। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखिए कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है बेसिकली आपका सबसे ज्यादा कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, केस स्टडीज के अंदर, राइट। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट का बेसिक फंडामेंटल या प्रैक्टिकल फंडामेंटल अगर अपन समझे तो वो सबसे ज्यादा केस स्टडीज के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करने का है। ओके, केस स्टडीज में किससे इन्वॉल्वमेंट शो करता है उस चीज को भी अपन आगे समझेंगे थोड़ा सा। इसका हल्का सा मैं ब्रीफ दे देता हूँ यहाँ पे आपको कि आप केस स्टडीज जब पढ़ते हैं तो वो प्रैक्टिकल बेस होती है, प्रैक्टिकल बेस मतलब सिचुएशन बेस होती है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत है, राइट। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पार्टीज के बीच में हो सकता है, पार्टीज या फिर पब्लिक के बीच में हो सकता है, एज यू एंड आपकी पॉलिटिकल अप्रोच के बीच में हो सकता है, तो यहाँ पे इन सब बीच में कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। बट कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे उन कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा ईजी कर देता है सोसाइटी में, या फिर आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने में इतना इजी कर देता है कि आप सिचुएशन को इजीली समझ पाते हो और आपको वहां पे आइडिया मिल जाता है कि आपको वहां पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिक सा फंडामेंटल अगर अपन समझे, बेसिक सा प्रिंसिपल इसका अगर अपन समझे, तो ये अपने को बताता है कि किसी भी पर्सन को किस तरीके से कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए या फिर किस तरीके से डू और डोंट करने चाहिए यहाँ पे, राइट। इसकी डेफिनेशन अभी आगे अपन पढ़ेंगे, बट अपन अभी बेसिक फंडामेंट पढ़ रहे हैं कि आज अपन लेक्चर में देखने क्या बने आगे। ओके, नेक्स्ट आता है अपना कोड ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स को लेके भी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको लेके अपन समझेंगे। कोड ऑफ AIS ऑल इंडियन सर्विसेज के लेके भी कोड ऑफ कंडक्ट है जो उनकी प्रिस्क्राइब जो वर्किंग है उसके अंदर ऑलरेडी इंगेज किया हुआ है या इंगेज के अंदर पहले ही बता दिया जाता है कहीं ना कहीं। कोड ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा मतलब यहाँ पे मिनिस्टर्स ऑफ राज्यसभा या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात हो रही है, राइट। यहाँ पे सही वर्ड होगा मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की बात हो रही है। कोड ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी की किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, राइट। ये बेसिक से कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लिए हैं ताकि अपनी को इनकी लेवल ऑफ वर्किंग के अंदर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, राइट। जब तक सोसाइटी के अंदर आप वर्क कर रहे हैं, सामने वाला भी वर्क कर रहा है, बट उसकी वर्किंग, उसके बेसिक वर्किंग फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं हुए, बेसिक बिहेवियर आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने में केपेबल नहीं हो पाएंगे, राइट। तो वहां पे अगर केपेबल नहीं हो पाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा जनरेट हो जाते हैं जो सोसाइटी के लेवल में बहुत हार्म कर सकते हैं, राइट। वो पॉलिसीज को लेके हो सकते हैं या फिर रूल्स, लॉस एंड रेगुलेशन को लेके हो सकते हैं, किसी भी चीज को लेके हो सकते हैं, राइट। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं अपन कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली अगर अपन देखें, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बिहेवियर, मतलब कि आप अपनी सोसाइटी में जब वर्क कर रहे हैं या कोई XYZ पर्सन इंडिविजुअल जब सोसाइटी में वर्क कर रहा है तो सोसाइटी में वर्क करते समय उसका बिहेवियर कैसा है, राइट। मतलब कि वो जब अपनी ड्यूटीज को अप्लाई कर रहा है, ड्यूटीज निभा रहा है, ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, तब उसका बिहेवियर किस तरीके का है वो कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू पता लगाया जा सकता है, राइट। या उसके बिहेवियर में किस तरीके की वर्किंग होनी चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट उसे बताने की कोशिश करता है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि मैं एज ए इंडिविजुअल आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ या लेक्चर पढ़ रहे हैं अपन, राइट। तो यहाँ पे मेरी मॉरल ड्यूटीज बनती है जिसको अपन एज ए कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हैं कि मैं आपको सही सिलेबस को ही पढ़ाऊं, राइट। वो गलत सिलेबस पढ़ाना डूम्स में आ जाएगा कहीं ना कहीं, राइट, और सही सिलेबस पढ़ाना डूम में आ जाएगा। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है बेसिकली।
सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। यहाँ पे एक्सेप्टेबल क्या होना चाहिए, अनएक्सेप्टेबल क्या होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट उसको बताने की कोशिश करते हैं, राइट। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू हो सकता है, कुछ टर्म्स के रिलेशन में हो सकता है, कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस के रिलेशन में हो सकता है, बट यहाँ पे आपके बिहेवियर या आपकी वर्किंग के अंदर क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव कैन बी नोन एज कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि कोड ऑफ कंडक्ट आके होता क्या है। अब नेक्स्ट आते हैं पर्पस ऑफ सीओसी। सीओसी मींस कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें कि आपने अगर समझा कि कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, बट यहाँ पे आपको इसका पर्पसेस भी क्लियर होनी चाहिए, राइट, कि उसका मेन मोटिव क्या है। अगर आपको पर्पसेस क्लियर नहीं हुए कोड ऑफ कंडक्ट के, कोड ऑफ कंडक्ट जो डू और डोंट दोनों बता रहा है अपने को कि सोसाइटी के अंदर जब आप कहीं पोस्ट पे या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कहीं बैठे हैं तो वहां पे आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और किस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, तो वहां पे उसका मेन मोटिव या पर्पस क्या हो सकता है, वो चीज समझने की अपन कोशिश करेंगे। फर्स्ट आता है गाइडिंग लाइन। कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है, आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी या मॉरली आप किसी पोस्ट पे बैठे हैं, राइट, एथिकली आप उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं और इंटीग्रेटेड पर्सन है काफी, बट कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे आपकी वर्किंग या आपके बिहेवियर, आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर एक लाइट जनरेट का करने का काम करता है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है या किस तरीके से एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है यहाँ पे आप, राइट। अगर मैं बात करूँ गाइडिंग लाइट मीन्स यहाँ पे एज ए डायरेक्शन के तौर पर भी बात हुई है कि कैसे कोड ऑफ कंडक्ट आपको एक डायरेक्शन देता है कि आपको यही सही तरीके करने चाहिए या फिर ऐसे ही स्टेप लेने चाहिए जहां पे सोसाइटी को यूजफुल हो, ऐसे स्टेप नहीं लेने चाहिए जहां सोसाइटी को हार्मफुल हो। ये बेसिकली एक लाइट दी है, डायरेक्शन दी है कोड ऑफ कंडक्ट में, राइट। तो मेन पहला पर्पस क्या है, गाइडिंग लाइट, एक तरह की डायरेक्शन देने का काम करता है या गाइडिंग लाइट के तौर पर वर्क करता है। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का बेसिक सा अगर फंडामेंटल यहाँ पे निकाले तो यहाँ पे बात हो रही है डिसिप्लिन की। कोड ऑफ कंडक्ट सबसे ज्यादा डिसिप्लिन सिखाने का भी काम करता है कहीं ना कहीं, राइट। एवरी ऑर्गेनाइजेशन या एवरी वर्किंग एरिया इन टूडेज वर्ल्ड हैज अ कोड ऑफ कंडक्ट। सबका अपना अपना कोड ऑफ कंडक्ट है, सबका अपने अपने वर्किंग के अंदर कुछ डू और डोंट्स है, राइट। कुछ एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो सकते हैं, कुछ अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, सिचुएशन टू सिचुएशन, वर्किंग टू वर्किंग डिफ्रेंशिएट हो सकता है, राइट। बट यूनिफॉर्मिटी आपको क्या है यहाँ पे एज ए पर्पस के तौर पे बताया गया है, क्यों, क्योंकि ये डिसिप्लिन बता रही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जुडिशियरी के अंदर अगर आप देखेंगे एवरी लॉयर और जज और एनीवन हैज टू वेयर द ब्लैक कोट, समहाउ ब्लैक कोट टाइप होता है जो उनको पहनना पड़ता है एज ए कंपल्सरी सब चीज, या उनका एक ड्रेस कोड है, तो वहां पे एक यूनिटी के तौर पे भी दिखा रहा है यहाँ। कोड ऑफ कंडक्ट आपको एक यूनिटी के तौर पे भी गाइड कर रहा है, किसके थ्रू, यूनिफॉर्मिटी के थ्रू, राइट। तो ये आप कोड ऑफ कंडक्ट क्या कर रहा है, एक और बिहेवियर बता रहा है, बिहेवियर के अंदर किस तरीके से आप डिसिप्लिन रह सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी वर्किंग के लिए सेम नहीं हुआ ऑल ओवर इंडिया में, तो काफी चीजें सोसाइटी में स्कैटर्ड हो सकती है, और सोसाइटी में जब स्कैटर्ड होगी तो फिर सोसाइटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ करना मुश्किल हो जाएगा वहां पे, राइट। सोसाइटी के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, राइट। थर्ड आता है अपना प्राइवेसी। कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा आपकी प्राइवेसी को प्रमोट करता है, राइट, किसी भी इंडिविजुअल लेवल पे भी, सोसाइटल लेवल पे भी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी, गवर्नमेंट लेवल पे भी, सब जगह कोड ऑफ कंडक्ट जो प्राइवेसी को लेके है वो प्रमोट ही करेगा कि कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन की कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स बाहर ना हो, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स अगर जब डिस्क्लोज होती है, बाहर होती है, तो कहीं ना कहीं उस इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर अपने पेशेंट को चेक कर रहा है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन को उसके लिए डिस्क्लोज नहीं करना उसके डू वर्किंग में या डू कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आता है कि कभी भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट की, उसकी हिस्ट्री हो सकती है या उसकी डिजीजेस हो सकते हैं, उसको कभी भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, और डिस्क्लोज करेगा तो मैक्स टू मैक्स फैमिली मेंबर तक करेगा जब पेशेंट खुद ही सिचुएशन से कंट्रोल के बाहर हो, राइट। तो ये बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट आपकी डिसिप्लिन के साथ साथ प्राइवेसी को भी मेंटेन करने का काम कर रहा है।
ओके, इसका मेन पर्पज क्या हुआ, प्राइवेसी को मेंटेन रखना, इमरजेंसी। नेक्स्ट आया अपना इमरजेंसी। इमरजेंसी के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, राइट, क्योंकि इमरजेंसी जब लागू हो सकती है या इमरजेंसी कहीं पे भी हो सकती है, सोसाइटी लेवल पे भी हो सकती है, इंडिविजुअल लाइफ में भी हो सकती है या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोविड आया था, कोविड के समय इमरजेंसी ही थी एक टाइप की, राइट, तो वहां पे मेडिकल इमरजेंसी बोल सकते हैं अपन, राइट। तो वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट आपको बताता है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, राइट। एक और पर्पस क्या हुआ, इमरजेंसी के अंदर चीजें हाइपर ना हो, आउट ऑफ सिचुएशन या आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, उसको भी कंट्रोल रखने में मदद करता है, राइट। वहां पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अप्रोच किया जा सकता है क्वेश्चन या केस स्टडीज के लिए, जब इंडिया में इमरजेंसी लगे तो क्या हो सकता है, राइट। वहां पे प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं काफी, कि इमरजेंसी के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से बिहेव कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को समझिएगा कि इमरजेंसी के अंदर भी कोड ऑफ कंडक्ट एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है या मॉरल प्रिंसिपल के तौर पे वर्क करता है यहाँ पे, जो एक गाइडेंस देता है बिहेवियर को, एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को भी समझाने का काम करता है कहीं ना कहीं, राइट। लास्ट देखते हैं अपन सोसाइटल गुड। सोसाइटल गुड के अंदर ही अपन मॉरलिटी को भी डाल सकते हैं या फिर वैल्यूज को भी इंगेज कर सकते हैं यहाँ पे अपन, राइट। यहाँ पे सोसाइटल गुड के अंदर अपन वैल्यूज को भी इंगेज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, और मॉरलिटी को भी इंगेज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। इस चीज को समझिएगा कि अपन इन दोनों टर्म्स को भी इसके अंदर इंगेज कर सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा सोसाइटी लेवल पे ही गुडनेस के लिए वर्क करता है, बैडनेस के लिए कभी वर्क करेगा, राइट। तो एक और कोड ऑफ कंडक्ट क्या हुआ, पर्पज क्या हुआ, कि सोसाइटी के लिए हमेशा ही अच्छा करने की कोशिश करेगा यहाँ पे, राइट। कैसे, इंटीग्रिटी प्रमोट कर सकता है यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट, राइट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में अगर आप बैठे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आप हेड के तौर पे बैठे हैं, तो वहां पे भी ये सोसाइटल लेवल पे इंटीग्रिटी बताएगा कि आपकी इंटीग्रिटी किस तरीके की होनी चाहिए, ऑनेस्टी किस तरीके से होनी चाहिए। वहां पे आप सेल्फिश तो पर्सन तो नहीं बन रहे, तो कोड ऑफ कंडक्ट भी कहीं ना कहीं सोसाइटल लेवल में गुडनेस जनरेट करने का काम करता है, राइट। चलिए, तो ये बेसिक सा क्लियर हुआ आपको कैसे कोड ऑफ कंडक्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अपन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर्स इन इंडिया। मिनिस्टर्स इन इंडिया के अंदर अपना मेन टॉपिक ये नहीं है, राइट। मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया एक अप्रोच के लिए अपन समझ रहे हैं थोड़ा सा, कि किस तरीके से मिनिस्टर्स जो है इंडिया के अंदर उनके कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो सकते हैं, राइट। क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में जब आ सकता है, जब पॉलिटिकल अप्रोच के अंदर और आपकी वर्किंग के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या पॉलिसीज के अंदर कुछ प्रेशराइजेशन आने लग जाए या किसी तरीके से रिएक्शन, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट आपको बेसिक वहां पे आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है कि किस तरीके से डू और डोंट्स, उनकी क्या एक्सेप्टेबल वर्किंग हो सकती है, क्या अनएक्सेप्टेबल वर्किंग होनी चाहिए, राइट। तो फिर भी अगर वो अनएक्सेप्टेबल वर्किंग कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है वहां पे, राइट। ये बेसिक से अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, बेसिक से कुछ पॉइंट्स समझेंगे, ओके। अपन ने यहाँ पे देखा था सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, राइट। ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली थी कोड ऑफ कंडक्ट क्या होती है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मिनिस्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एसेट्स डिस्क्लोजर, मतलब कि कभी भी मिनिस्टर्स को हमेशा अपने एसेट्स को इलेक्शन कमीशन हो गए या फिर ईडी हो गया एंड एवरीथिंग, तो उनको हमेशा अपनी एसेट्स की कैलकुलेशन बता के ही वो मिनिस्टर बन सकते हैं, कभी भी उनसे हाइड करके चीजें वर्क नहीं कर सकते, ये उनका बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, राइट। गिफ्ट्स, दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी गिफ्ट्स फ्रॉम एनीवन, राइट। वहां पे कई बार अपन जैसे ब्राइब के तौर पे इसको काउंट कर सकते हैं एवरीथिंग, कि कभी भी वो किसी से गिफ्ट्स नहीं लेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे देखिए, अपनी फैमिली या रिलेटिव से ले वो अलग बात है, बट यहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अगर गिफ्ट्स ले रहे, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बताता है कि ये अलाउड नहीं है, राइट। बिजनेस इंटरेस्ट, कभी भी मिनिस्टर्स को अलाउड नहीं होता है कि दे कैन गो फॉर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन खुद की डेवलप करके चले एवरीथिंग। आज के समय में मिनिस्टर्स काफी हैं अपने इंडिया में जिनकी कोड ऑफ कंडक्ट को अगर एनालाइज किया जाए तो काफी स्कैटर्ड डाटा मिलेगा कहीं ना कहीं, राइट। बट यहाँ पे अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन या बेसिक मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशन के कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो सकता है, अपन उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। डोनेशंस,
उनको कभी भी डोनेशंस लेना अलाउड नहीं। डोनेशंस और गिफ्ट एक तरह की चीजें हो गई, दैट दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी काइंड ऑफ डोनेशन फ्रॉम एनीवन। लाइक अवार्ड्स, अगर उनको कोई अवार्ड्स में मिल रहा है तो दे नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे कि कहीं पे भी अगर उनको फॉरेन एजेंसीज या फॉरेन कोलैब की वजह से कोई अवार्ड्स मिल रहा है, बुलाया जा रहा है, अवार्ड्स दिया जा रहा है, तो वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से पहले अप्रोच करके परमिशन लेनी होती है या उनको बताना होता है, तब जाके वो वहां पे जा सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली दे आर नॉट अलाउड टू गो देयर। तो ये बेसिक सा फंडामेंटल उनका कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी एंड फेवर। कभी भी वो किसी को भी अपनी पावर का मिसयूज करते हुए वेलफेयर नहीं पहुंचेंगे, मतलब कि अपने पावर का यूज करते हुए कभी भी सोसाइटी के अंदर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को ही प्रमोट करें, ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में हो जाता है उनके, राइट? इस चीज को समझिएगा। और किसी भी तरह की हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि यहाँ पे किसी भी तरह के गिफ्ट्स और डोनेशन हो गए या फिर एक तरह का फेवर नहीं लेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, वो हमेशा सोसाइटल लेवल पे सोचने की कोशिश करें। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट अपने को क्या बता रहा है, सोसाइटल लेवल पे सोचने की प्रोसेस को समझा रहा है कि इसे मिनिस्टर को सोचना चाहिए, तो इन चीजों को उनको अवॉइड करना चाहिए कहीं ना कहीं, राइट? ये बेसिक सा मिनिस्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर AIS। AIS आपको क्लियर होगा मोस्ट प्रोबेबली, फिर भी यहां लिख देते ऑल इंडिया, ऑल इंडिया सर्विसेस ऑफिसर्स, राइट? यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स की बात हो रही है कहीं ना कहीं। ओके, इस चीज को समझिए। अब इनकी डू और डोंट्स क्या हो सकते हैं, इंश्योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंक्शन क्या आ गया यहाँ पे, इंश्योर हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी। अपनी वर्किंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हमेशा या सर्विसेज ऑफिसर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को हमेशा इंटीग्रिटी को ज्यादा से ज्यादा बताना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए वहां पे, राइट? ये उनका बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट हुआ। डिवोशन टू ड्यूटी, अपने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कैसे उनको अपने एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के अंदर ड्यूटी के लिए अपना डिवोशन सबसे हाई रखना चाहिए हमेशा, राइट? क्योंकि सोसाइटी के अंदर उनके ऊपर ही काफी चीजें डिपेंडेंट है जो ग्रोथ दिखाएगी कहीं ना कहीं, या लोकल पीपल को या लोकल पब्लिक को वेलफेयर पहुंचाने का काम करेगी। तो ये बेसिक उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कैसे उनको ड्यूटीज के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड होना चाहिए। पार्टिसिपेशन इन पब्लिक मीडिया एज ए कलेक्टर के तौर पे या फिर एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस के तौर पे हो सकता है, कई बार आपको पब्लिक मीडिया के अंदर भी अपनी बात कहनी पड़े, तो वहां पे गवर्नमेंट के साइड से आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वर्क करें, तो कभी भी आप अगेंस्ट में नहीं वर्क कर सकते या फिर कॉन्फिडेंशियल चीजों को भी प्रमोट बाहर नहीं निकाल सकते इजिली, राइट? बेसिक सी डिटेल आप मीडिया में दीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शांत रख पाए, शांत मतलब कि यहाँ पे कामनेस जनरेट कर पाए सोसाइटी के अंदर, और वहां पे भगदड़ भी ना हो ज्यादा से। एक्सेप्ट गिफ्ट्स ओनली फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, सेम फॉर हिम ऑल्सो, राइट? यहाँ पे हिम और हर की बात हो रही है। कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर फ्रेंड्स ऑफ रिलेटिव से ही गिफ्ट्स लें हमेशा, दे आर नॉट अलाउड टू टेक एनी गिफ्ट्स फ्रॉम द एनी अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनीथिंग, राइट? डोंट में क्या आ गया, ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट। ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट का मतलब बात हो गई यहाँ पे अपनी पावर का मिसयूज करते समय कभी भी किसी को भी पावर के थ्रू कहीं जॉब लगवाना या पावर के थ्रू कहीं पे किसी चीज को सेटलमेंट करवाना, तो वो हमेशा कोड ऑफ कंडक्ट में अलाउड नहीं है, राइट? ये उनके वर्किंग ये कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जा रहा है। पॉलिटिकल्स कभी भी वो पॉलिटिक्स में अलाउड नहीं होते। हाँ, आप हो सकता है आप ऑफिस छोड़ के, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ऑफिस छोड़ के आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू डू दैट, बट कभी भी डायरेक्टली आप एज ए ऑफिस एम्प्लॉय के तौर पर भी वर्क कर रहे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर भी वर्क कर रहे और पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर रहे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट? एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, हमेशा गवर्नमेंट एक्शन ऑफ गवर्नमेंट और एविडेंस को अपन साथ में ले सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट की कभी भी कोई वर्किंग हो रही है उसके अंदर जो कॉन्फिडेंशियल डाटा आ रहा है या कुछ भी आ रहा है वो पब्लिक नहीं करेंगे अभी, राइट? एज एविडेंस के तौर पर हो सकता है, क्योंकि वो एविडेंस कहीं ना कहीं सोसाइटी को बहुत हार्म कर सकता है। वो एविडेंस इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडियन सिक्योरिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है कहीं ना कहीं, राइट? और कभी भी आप यहाँ पे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज उनको कभी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आप उनके साथ ही वर्क कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? लेविश हॉस्पिटलिटी, मतलब कि डोनेशन और गिफ्ट्स के तौर पर बात हो रही है यहाँ पे, कि कैसे आप कभी भी हॉस्पिटलिटी नहीं लेंगे या बहुत ज्यादा ब्राइब के फॉर्म में कहीं से
कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंसी लेना, वो सब चीजें अलाउड नहीं है कभी भी। डाउरी अलाउड नहीं है स्टॉक मार्केट में, कभी भी आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, मतलब उतार चढ़ाव करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें तालमेल करना वो अलाउड ही नहीं है, वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाता है सारा का सारा, राइट। ये किसकी बात कर रहे थे? इंडियन सर्विसेज ऑफिसर्स की, राइट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर राज्य मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा मेंबर्स के लिए बात हो रही है तो यहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं अपन, कहने के उन दोनों के कोड ऑफ कंडक्ट क्या हो सकते हैं आखिर, राइट। डू वेलबींग ऑफ पीपल, हमेशा किसके लिए सोचेंगे? पीपल्स के वेलफेयर के लिए ही वर्क करेंगे, पीपल के वेलफेयर के लिए ही हमेशा सोचेंगे। दे हैव द कोड ऑफ कंडक्ट, या उनके बिहेवियर के अंदर हमेशा पीपल के वेलफेयर के लिए ही बात होनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, ऑफ मतलब यहाँ पे अबोव, राइट। यहाँ पे बात हो रही है कि हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को, पब्लिक के वेलफेयर को ऊपर रखना पड़ेगा एज कम्पेयर टू पर्सनल बेनिफिट या प्राइवेट बेनिफिट, राइट। यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि जैसे डिवोशन की अपन ने बात की थी पिछली बार ड्यूटीज की, तो यहाँ पे भी आपको अपनी प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट इंटरेस्ट को साइड रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट को ही हमेशा प्रमोट करना होगा। रिसोर्सेज फॉर पब्लिक, पब्लिक के जो रिसोर्सेज है वो हमेशा पब्लिक को ही दे, राइट। उस पब्लिक रिसोर्सेज को कभी अपने पर्सनल लाइफ या इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए कभी यूज ना करें। तो ये बेसिकली इनके कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं। रूल, हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉरलिटीज और सेक्युलर वैल्यूज, राइट, इन दोनों को सबसे हाई रखिए या इन दोनों को ही सबसे ज्यादा प्रमोट करें कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में भी या सोसाइटी में भी या उनकी पॉलिसीज या रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर भी यही चीजें दिखनी चाहिए, राइट। राज्यसभा लोकसभा में कई सारे एक्ट्स और बिल्स आते हैं जहां पे भी सबसे ज्यादा सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट किया जा सकता, किया जाता है कहीं ना कहीं, राइट, या उनके बिहेवियर के अंदर इस तरीके की चीजों को प्रमोट करने का ही वर्किंग होना चाहिए या माइंडसेट होना चाहिए अपन जिसको अपन बोल सकते, राइट। डोंट रूमिनेशन कभी नहीं लेना चाहिए, रूमिनेशन मतलब कि काइंड ऑफ फीस हो सकती है कि कभी कहीं देखा जा सकता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मिनिस्टर कभी किसी से फीस ले रहा है या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फीस ले रहे हैं कहीं पे और फीस लेके कहीं एक्ट ऑफ बिल पास करा रहे हैं, तो वो उनके कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अलाउड नहीं है, राइट। डिस्क्लोज ऑफ कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल चीजों को कभी भी वो पब्लिक में अलाउड नहीं कर सकते हैं कि, और उनके वर्किंग के अंदर कभी भी कॉन्फिडेंशियल चीजों को पब्लिक करना अलाउड नहीं होता है, राइट। सर्टिफाइड कैरेक्टर है, इसका मतलब बेसिकली हुआ कि हमेशा जब आप वर्क कर रहे हैं तो अपने कैरेक्टर के अंदर पब्लिक वेलफेयर को ही प्रमोट करें कहीं ना कहीं, राइट। वहां पे आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को या इंडिविजुअल लेवल को ही सबसे ज्यादा प्रमोट करें वो गलत होगा, राइट। यहाँ पे आप कभी भी एज ए कैरेक्टर के तौर पर, इंडिविजुअल लेवल पे तौर पर देख सकते हैं कि कभी भी आप बाहर नहीं रह सकते, आपको जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडेड है आप वहीं रहेंगे इन एवरीथिंग, राइट। तो ये बेसिकली कुछ डू और डोंट्स हो सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं जो राज्यसभा मेंबर्स के लिए अलॉटेड है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपन, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर जुडिशियरी। जुडिशियरी के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट क्या क्या हो सकते हैं वो चीज समझना भी बहुत जरूरी, क्योंकि जुडिशियरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है किसी भी नेशन के अंदर, राइट। वेलबींग ऑफ पीपल, पीपल के वेलफेयर या पीपल के ये ही हमेशा डिसीजन लिया जाए, उनके अगेंस्ट में डिसीजन कभी नहीं लिया जाए, राइट। पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट, और ऑफ मतलब यहाँ पे अबव की बात हो रही है। सेम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की अपन बात कर सकते हैं, राइट। रिसोर्सेस फॉर पब्लिक, पब्लिक के लिए डिसीजन ले रहे हैं तो पब्लिक के रिसोर्सेस को पब्लिक तक ही पहुंचाने का काम करें, वहां पे अपने बेनिफिट के लिए उस रिसोर्सेज का मिसयूज ना करें कहीं ना कहीं। हाई स्टैंडर्ड ऑफ मॉरलिटी, सेक्युलर वैल्यूज को प्रमोट करें कहीं ना कहीं, राइट। किसके अंदर? उनके जजमेंट के अंदर हो सकता है जुडिशियरी जिस तरीके से डिसीजन ले रही है उस तरीके के उनके जजमेंट में भी इन तरह की वैल्यूज को या फिर मॉरलिटी को, सेक्युलर वैल्यूज को हो सकता है, इन सबको प्रमोट करने का काम करें कहीं ना कहीं। उनका डोंट क्या हुआ, क्या क्लोज एसोसिएशन, किसी के साथ ज्यादा तालमेल ना बने, तालमेल मतलब कि प्राइवेट जन पर्सन के साथ तालमेल ना बने जिससे केस के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है ना एवरीथिंग हियर ऑन प्राइवेट। अपना इंडिविजुअल बेनिफिट या इंडिविजुअल किसी रिलेटिव का केस आया तो वहां पे आप रिलेटिव के केस सुनने के चक्कर में और अगेंस्ट डिसीजन ना दीजिए, जो सही है उसी को लेके हमेशा डिसीजन दे कहीं ना कहीं। इंटरव्यू टू द मीडिया, इनको कभी भी अलाउड नहीं होता कभी भी कि मीडिया के अंदर इंटरव्यू दें, राइट। स्पेकुलेट इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में कभी भी ऊपर नीचे करने की इनका राइट्स नहीं है। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी वन, मतलब कि यहाँ पे कभी किसी से भी ब्राइब या इस तरह की चीजें इन्वॉल्व ना ले। रेस फंड फॉर एनी पर्पस, इनको कभी भी अलाउड नहीं होता किसी पर्पस के लिए, मतलब हो सकता है कि कुछ अच्छे पर्पस के लिए भी हो बट इनको कभी अलाउड नहीं है कि ये किसी पर्पस के लिए फंड रेस करें। रिमुनेशन
फीस लें, मतलब कि किसी के लिए डिसीजन लेने के चक्कर में किसी से फीस लें एज अ ब्राइब के फॉर्म में, और डिस्क्लोजर कॉन्फिडेंशियल लें एवरीथिंग, राइट। तो ये बेसिक से इनके जुडिशियल फॉर्म ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं या जुडिशरी के कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, जहां पे इनको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सोसाइटी के अंदर इनको वर्क करना चाहिए और किस तरीके से वर्क नहीं करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये बेसिक से फंडामेंटल आपको क्लियर हुए। ये तो बेसिक से फंडामेंटल के अंदर एक और अपन यहाँ पे डाल सकते हैं, नो पॉलिटिक्स। इनको भी अलाउड नहीं होता है कभी भी कि पॉलिटिक्स में डायरेक्टली जाके एंट्री कर ले लें, या फिर आपको वहां पे गवर्नमेंट जॉब या फिर जुडिशरी में आप जब बैठे हैं तो वहां पे उस चीजों को छोड़ना होगा, तब जाके आप पॉलिटिक्स में अप्रोच ले सकते हैं एवरीथिंग। तो ये बेसिकली इनके भी कोड ऑफ कंडक्ट इस तरीके से डिस्क्राइब है, राइट। सो होपफुली आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा काफी हद तक कि किस तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी वर्किंग के अंदर इंपॉर्टेंस रख सकते हैं या किसी वर्किंग को काफी बेटर तरीके से डिस्क्राइब करने में मदद कर सकते हैं, राइट। ऐसे ही कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं, रिलीजन बेस पे हो सकते हैं, कम्युनिटी बेस पे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो सकते हैं, सोसाइटल लेवल पे हो सकते हैं, बट यहाँ पे आप बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट को समझिएगा कि बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट किस तरीके से केस स्टडीज में भी पूछे जा रहे हैं, राइट। केस स्टडीज के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू आप प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल आंसर्स देने में भी इजी हो जाते हैं कहीं ना कहीं, राइट। ओके, सो बेसिकली आपको फंडामेंटल काफी हद तक क्लियर हो गया। इन केस आपको कोई भी डाउट आता है कहीं पे, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप डायरेक्टली हमको टच कर सकते हैं ताकि जो भी डाउट है अपन वहां पे क्लियर कर सके। ओके एवरीवन, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।